कोरबा में नई रेल परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस रेल परियोजना की शुरुआत के साथ ही रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। इस रेल परियोजना को 2022 तक पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ इसका शिलान्यास किया गया है। 4 वर्षों में इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। कोरबा जिले वासियों को इंटरसिटी एक्सप्रेस की सौगात जल्द ही मिलेगी। कोरबा से रायपुर तक के लिए इस एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन जल्द शुरू होगा। ये बातें केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हरदी बाजार में आयोजित अटल विकास यात्रा के दौरान रेल कॉरिडोर शुभारंभ अवसर पर कही। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, उस विकास की गति को और तेजी देने में केंद्र सरकार अपना पूरा सहयोग देगी। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक के सिर पर छत होगी, हर नागरिक को घर मिलेगा, उस घर में बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा होगी, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा भी हर नागरिक को सहज उपलब्ध होगी। पूरी लाइन 258 किलोमीटर की इतनी लंबी लाइन हम आगे आने वाले 4 वर्षों में पूरी करेंगे और जब नए भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री ने की है, 15 अगस्त 2022 को जब नए भारत का एक जो कल्पना से हम देश के विकास में जुटे हुए हैं, जिस कल्पना में जब भारत के 75 वर्ष आजादी के पूरे होंगे, उसके पहले भारत के हर नागरिक को घर मिलेगा, उसके सर पर छत होगी, उस घर में शौचालय होगा, उस घर में 24 घंटे बिजली होगी, अच्छा पेयजल होगा, सड़क होगी गांव और घर तक, अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं होंगी आयुष्मान भारत के तहत, अच्छी शिक्षा मिलेगी हमारे कल के नौजवान युवा युवतियों को। जब ऐसा नया भारत की कल्पना लेके हम निकले हैं, तो मैं समझता हूं कि रेल की भी व्यवस्था और रेल की भी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होनी चाहिए नए छत्तीसगढ़ में। और उस कल्पना को लेते हुए जो आज की रेल परियोजनाओं को हम शुरू करने जा रहे हैं, इन सभी को 15 अगस्त 2022 तक खत्म करने के इरादे से हमने आज दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर तय किया है। डॉक्टर साहब, 16,000 करोड़ की लाइन के सामने एक इंटरसिटी जब इतनी महत्वपूर्ण होती है, तो मुझे लगता है मेरा दायित्व बनता है कि इंटरसिटी लाइन अवश्य आएगी। और मुझे तो आज पता चला कि ये शुरू की गई थी एक पूर्व के मंत्री द्वारा, पर आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए शुरू की गई थी, शायद कुछ दिनों के लिए चली और फिर बंद हो गई। ये सरकार, मोदी जी की सरकार, इस प्रकार से काम नहीं करती है। आपके यहाँ इंटरसिटी लाइन आएगी, रेलगाड़ी शुरू होगी और वो पूरे समय चलेगी, कोई 3-6 महीने के लिए नहीं आएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रेल कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। पूरे छत्तीसगढ़ सहित कोरबा में रेल सुविधाओं का विस्तार होगा। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाते हुए कहा कि कोरबा वासियों को इंटरसिटी की सौगात जल्द मिलेगी। रेलवे की जिन परियोजनाओं को आज जिसका भूमि पूजन और कार्य प्रारंभ करने की घोषणा हुई है, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का और मैं कहूँगा किसी देश में किसी राज्य ने एक साथ इतनी सारी योजनाओं का भूमि पूजन लोकार्पण 9,952 करोड़ का, एक बार पीयूसी का ताली बजा के दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करिए। क्योंकि जब जब मैं उनके पास दिल्ली गया किसी परियोजना के लिए, हम और सांसद को लेकर विधायकों के लेकर दिल्ली गए, जिन योजनाओं के निराकरण में मुझे 10 साल 12 साल लग गए, अलग अलग केंद्र में यूपीए सरकार के केंद्रीय मंत्रियों के दफ्तर में घूमते घूमते चप्पल घिस गए, मैं यहाँ सार्वजनिक से बताना चाहता हूँ ऐसी परियोजनाओं को 10 मिनट में उसका निराकरण करने का काम पीयूष जी ने किया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।